अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ दोबारा से हाज़िर हुए हैं और आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कोई अराउंड 2 से 3 वीक्स के बाद, क्योंकि मैं कुछ दिनों से अपनी मूविंग में बिज़ी था। जैसे मैंने आप लोगों को अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं फ्रॉम ऑल्बो टू कॉलिंग जो है ना मूव कर गया हूँ टू स्टार्ट अ न्यू जर्नी। और अब हम यहाँ पर आज खड़े हुए हैं और आप लोगों को दिखाएंगे कि ये सिटी कैसा दिखता है। और सबसे पहले आज हम लोग आए हुए हैं यहाँ के बाज़ार। अच्छा, तो मैं आ चुका हूँ कॉलिंग और ये 7th largest सिटी है ऑफ डेनमार्क। और यहाँ पे मैं अपनी एक न्यू लाइफ स्टार्ट करने के लिए आया हूँ। मेरा मास्टर्स में एडमिशन हो चुका है, तो जी वो तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मैं अपनी जर्नी शेयर करूँगा। आज हम लोग आए हुए हैं यहाँ के बाज़ार। है तो ये बहुत छोटा सा सिटी, लेकिन यहाँ पर एक बाज़ार भी जो है ना हमारे लिए बनाया गया है, जिसके अंदर हमें अपने तमाम यानी कि डेली जो हम खाते पीते हैं, दाल चावल आटा वगैरह, चिकन बीफ लैम्ब सब कुछ यहाँ पे हमें मिल जाता है हलाल। तो जी हम भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए हैं और आप लोग बताते हैं कि यहाँ पे क्या क्या मिलता है। तो जी हम भी अंदर चलते हैं और देखते हैं कि जो ना क्या क्या मिल रहा है और थोड़ी बहुत शॉपिंग करते हैं। ओके, लेट्स गो इनसाइड। अच्छा जी, तो ये आपको दिख रहा है कि ये है कोल्डिंग बाज़ार और इसके साथ आपको दिख रहा है कि हलाल मीट का भी इन्होंने बैनर लगाया हुआ है। तो जी अंदर चल के देखते हैं। अच्छा, मैं आया हूँ ऑल्बो से। मैंने वहाँ पे अपना काफ़ी ज़्यादा यानी कि टाइम स्पेंड किया है, तो मैं एज्यूम करूँगा कि ये छोटा सिटी है तो यहाँ का बाज़ार भी छोटा सा ही होगा। लेकिन चलते हैं साथ मिलके देखते हैं। बाहर देखें, इन्होंने सारा का सारा जो है ना वेजिटेबल आइटम्स लगाए हुए हैं। बिल्कुल पाकिस्तान में इंडिया वाली फील दी हुई है कि जो स्टॉल्स लगे हुए होते हैं हमारे वहाँ पर, कि बाहर से ही बस जो है ना ख़ुद ही चूज़ करो और शॉपर्स वगैरह में डाल के जो है ना लेके चले जाओ। तो वही वाला हिसाब किताब यहाँ भी इन्होंने बाहर रखा हुआ है। अंदर चलते हैं। वाह, ये तो काफ़ी बड़ा स्टोर लग रहा है, क्योंकि ये छोटे से सिटी के हिसाब से मैं इसको अज्यूम कर रहा था कि काफ़ी छोटा सा इन्होंने सेटअप यहाँ पे खोला हुआ होगा, लेकिन ये तो काफ़ी ह्यूज यानी कि वैरायटी यहाँ पे दिख रही है। और देखते हैं यहाँ पे कि किस किस टाइप के आइटम यहाँ पे हमें मिलते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम पाकिस्तान से बाहर कहीं पर भी रह रहे होते हैं, स्पेशली जैसे कि डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, तो यहाँ पे जो हमारी कम्युनिटी बहुत कम रहती है, तो उसके हिसाब से हमारे आइटम्स भी जो है ना जो हम पाकिस्तानी इंडिया से जो चीज़ें वहाँ पे जो नॉर्मली हम खाते हैं और मसाले वगैरह यूज़ करते हैं वो कम यानी कि यहाँ मिलते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि इन्होंने हमारे आइटम्स यानी कि कितने रखे हुए हैं, क्योंकि है तो ये अरबिक स्टोर लेकिन मुझे यहाँ पर जो है ना मिक्स आइटम्स दिख रहे हैं। और ये देखें जी, हमारे मसाले आ गए भाई यहाँ पे, तो उन्होंने काफ़ी सारी वैरायटी रखी हुई है हमारे मसालों की। और वाओ, ये देखें जी, एक से एक मसाला यहाँ पर हमें मिल जाएगा, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हमें जो है ना कहीं से ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करनी पड़ेगी कि भाई हमें अपने पाकिस्तानी मसाले कहीं से इंपोर्ट कराने। ये देखें जी, लाल मिर्च वगैरह हर चीज़ यहाँ पर जो है ना दिख रही है, तो दैट्स अ वेरी गुड स्टेप कि यहाँ पर सारे के सारे आइटम्स हमें मिल रहे हैं। ये देखें जी, दाल वगैरह भी सारी दालें यहाँ पे जो है ना मिल रही हैं, तो बहुत अच्छा है यहाँ पे इन्होंने जो है ना यानी कि मिक्स वैरायटी रखी हुई है। अब जैसे मैं आप लोगों को, अगर मुझे फॉलो करते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि मैं ब्राज़ील के बारे में वीडियोस बनाता हूँ, तो जब मैं ब्राज़ील गया था तो वहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा था, कुछ भी नहीं, यानी कि यहाँ पर देखें कितने सारे चावल रखे हैं। वहाँ पे क्या हो रहा था कि हम लोगों को कोई बासमती जैस्मिन राइस कुछ नहीं हमारा टेस्ट मिल रहा था, तो हमें वहाँ के ब्राज़ीलियन चावल खाने पड़ रहे थे जो कि काफ़ी मोटे होते हैं, लेकिन हमें वहाँ पे उन्हीं से ही गुजारा करना पड़ा था। तो वहाँ से अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो यहाँ पे आप देखें बहुत सारी वैरायटी मिल रही है हमें पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इंडियन आइटम्स की, कि जो जो भी यहाँ पर कम्यूनिटी है वो उसके हिसाब से अपने पसंद की शॉपिंग कर सकती है। ये देखें जी, पिकल्स और ऑलिव्स वगैरह, ये आइटम्स देखें हम डेली यूज़ में हमारे यूज़ होते हैं, चिली सॉसेस, सोया सॉसेस, तो ये देखें जी हर चीज़। अब मैं इसको इन डिटेल तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हर चीज़ मिल रही है जो कि हमारे किचन में यूज़ होती है। यहाँ पे पाकिस्तानी काफ़ी कम है कॉलिंग में, इंडियंस और बंगालीज यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें IBA है, डिज़ाइन स्कूल है और यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न डेनमार्क है। यहाँ पे बांग्लादेशी और इंडियंस काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। पाकिस्तानी यहाँ पे काफ़ी कम है, लेकिन हम उनको भी जो है ना तलाश करने की कोशिश करेंगे जुम्मे की नमाज़ पर। वहाँ
पे हमें कहीं ना कहीं से पाकिस्तानी मिल ही जाएंगे। लेकिन मेरी कम्युनिटी में इस वक्त जो मेरी यानी कि गैदरिंग में यहाँ पे हैं दोस्त, वो अभी तक सिर्फ बांग्लादेशी और इंडियंस ही हैं। और उन्होंने ही मुझे इस जो है ना बाज़ार के बारे में बताया था कि आप यहाँ पे जाएं और यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये देखिए जी, यहाँ पे बहुत सारी कैंडीज इन्होंने लगाई हुई हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे सारे आइटम्स हलाल हैं। अब ये कैंडीज़ अगर हम किसी नॉर्मल सुपरमार्केट से लेते हैं तो वो हराम होती हैं, क्योंकि उसके अंदर फिर वो दूसरे आइटम्स मिक्स होते हैं। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि हमें यहाँ पे हर चीज़ हलाल मिल रही है। ये देखें जी, केक रस सुबह के नाश्ते के लिए सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे हमें बड़े ईज़िली मिल रही है यहाँ पर, और काफ़ी सारे फ्लेवर्स भी इसके पड़े हैं यहाँ पर। बड़ा मज़ा आने वाला है। आगे चलते हैं जी। यहाँ पे देखें जी, ये सारे फ्रोज़न आइटम्स और बिस्किट्स, फ्रोज़न आइटम्स में देखते हैं। ये देखें जी, वाओ, पराठे भी मिल रहे हैं यहाँ पर। सुबह पाकिस्तान में हम डॉन के पराठे खाते थे एक ज़माने में, और यहीं उसका जो है ना दूसरा वर्जन मिल रहा है। तो बहुत अच्छी वैरायटी है यहाँ पर। देखें, समोसे वगैरह भी रखे हुए हैं। हर चीज़ यहाँ पर फ्रोज़न वही चीज़ें मिल रही हैं जो हम खाते आए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने मिक्स वैरायटी रखी हुई है, अरबिक से हट के भी जो है ना, देखें इतने सारे टेस्ट रखे हुए हैं कि जो जो भी यहाँ पे कम्युनिटीज़ रहती हैं और जो जो भी वो मीट खाती हैं, मीट से मुराद के देखें यहाँ पे बीफ, चिकन, लैम, हर चीज़ फ्रोज़न आइटम्स में आपको यानी कि दिख रही है। बर्गर्स हैं फ्रोज़न, कबाब है, शवरमा है, हर चीज़ यानी कि यहाँ पर हमें मिल रही है, कि जो बहुत अच्छी चीज़ है। देखें जी, योगर्ट वगैरह हर चीज़ सारी यहाँ पे, डेयरी प्रोडक्ट्स भी मिल रहे हैं। और सलामी तो मैं बहुत शौक से खाता हूँ सुबह के नाश्ते में, और यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी मिल रही सलामी की। अब मैं ओल्बो से आया हूँ तो वहाँ पे दो तीन फ्लेवर से सिर्फ सलामी के। यहाँ पे देखें जी, उन्होंने पूरा फ्रिज सजाया हुआ, तो बहुत अच्छा है यहाँ पे इन्होंने किया हुआ सारा का सारा। आगे चलते हैं। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ ओल्बो से, तो ये बहुत ह्यूज है, यानी कि ये स्टोर आई थिंक ट्रिपल द साइज़ है। और अगर इसको दोबारा से कंपेयर किया जाए कोपेनहेगन से, जो कि कैपिटल सिटी है, तो हम समझते हैं कि सब कुछ यानी कि कैपिटल सिटी में ही हमें मिलेगा, लेकिन नहीं भाई, ये कोलिंग जैसे सेवन्थ लार्जेस्ट सिटी ऑफ डेनमार्क, इस छोटे से सिटी में भी हमें सब कुछ मिल रहा है। और ये हमारे लिए सबके लिए आसानी है जो यहाँ पे रहते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हमारे मुल्कों से यहाँ पे आते हैं, उनके लिए सबसे अच्छी बात है ये कि उनको खाने पीने की फ़िक्र नहीं करनी, उनको पता है कि यहाँ पे एक बाज़ार ओपन है हम सबके लिए, जिसमें हम यहाँ पे आ सकते हैं और अपनी डेली ग्रॉसरियाँ से कर सकते हैं। अच्छा, ब्रेड्स, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। ये देखिए जी, नान ब्रेड, नान ब्रेड, तंदूर की रोटी हमें यहाँ पे जो है ना पैकेट में मिल रही है, कि घर जाओ और उसको ओवन में हल्का सा बेक करके खा लो। ये देखिए जी, दोबारा से कोई केक रस टाइप का कुछ मिल रहा है, ये अरबिक। तो देखिए जी, बहुत सारी वैरायटी है, ये टॉर्टिला दुरुम ब्रेड यहाँ पे जो शवरमे में यूज़ होती हैं, एक से एक वैरायटी आपको, टर्किश, अरबिक, पाकिस्तानी, इंडियन, सब कुछ मिलेगा। देखिए जी, तंदूरी चपाती टाइप यहाँ पर मिल रही है। तो दोबारा अगर मैं इसको ब्राज़ील से जो है ना, हमेशा जब भी मैं ऐसी चीज़ें यहाँ पे देखता हूँ तो मैं जो है ना अपना टाइम याद आ जाता है कि जब मैं ब्राज़ील में था और वहाँ पे हमने कैसे खाने पीने के मामलों में जो है ना गुजारा किया था। तो वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा था और बहुत मुश्किल हुई थी खाने पीने में, तो उसके हिसाब से ये बहुत अच्छा है। ये देखिए जी, पाकिस्तान इंडिया से हम अपने सूटकेस में मैगी नूडल्स भर के ला रहे होते हैं, और यहाँ पर इन्होंने ये बड़े प्यार से जो है ना हमारे सजा के रखा हुआ है। बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पे ये साफ सब कुछ देखने में। देखें जी, आटा इंडिया से आया हुआ है, आशीर्वाद आटा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अब हमने ली है ये वाइपर, हमें ये कहीं नहीं मिल रहा था और हमें ये फाइनली यहाँ पे मिल गया, क्योंकि ये डैनिश यहाँ पे छोटे छोटे वाइपर्स यूज़ करते हैं अपने वॉशरूम में, और हम देसी लोग, हमें ये बड़ा वाला चाहिए होता है, तो हमने कहा ये फाइनली हमें मिल गया। अब देखते हैं जी, हमें कुछ चाय वगैरह मिल जाए, और चाय के साथ साथ हमें ये मिल गया।
इससे आगे आप लोगों से क्या बात करूं कि हमारी पाकिस्तानी टपाल दानेदार यहाँ पे बड़े आराम से रखी हुई है सजा कर, कि जो पाकिस्तानी इंडियन यहाँ पे आ रहे हैं वो इसको ले लें और इन्जॉय करें। तो जी हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली है अपनी यहाँ पर जो हमें फ़िलहाल के लिए चाहिए था, फिर इंशाल्लाह जो है ना आएंगे दोबारा से यहाँ पर और बाकी का सामान भी लेंगे और इसको चेकआउट करते हैं और आगे देखते हैं कि आगे यहाँ पे और इस बाज़ार में क्या क्या मिलता है। अच्छा जी ग्रॉसरी तो हमने कर ली है, अब सेकंड हमारा जो बिगेस्ट कंसर्न होता है वो ये होता है कि हमें हलाल गोश्त कहाँ से मिलेगा। तो जी हमें हलाल गोश्त की शॉप भी मिल गई है और मैंने मालूम किया है कि ये कोल्डिंग में सब सिर्फ एक ही दुकान है, एक ही शॉप है जहाँ से हमें हलाल मीट मिलता है। ओल्बो में दो तीन शॉप्स थी लेकिन यहाँ पर एज़ पॉपुलेशन कम है तो एक ही शॉप है यहाँ पर, लेकिन शुक्र है क्योंकि जो भी बाहर हमें सुपर मार्केट से मीट मिलता है वो सब का सब हमारे खाने के लायक नहीं होता है। तो हमें यहाँ पे जी ये हलाल शॉप भी मिल चुकी है, अब यहाँ से हम थोड़ा बहुत मीट भी लेते हैं। हेल किलो टेबल दिए दो गुस्से में ये लीजिए भाई अरबिक सैलून भी मिल चुका है हमें, बाल वगैरह कटवाने हैं तो जी अरबिक स्टाइल के बाल कटवाओ, तो ये भी एक ऑप्शन हमें मिल गया है। आगे चलते हैं, आगे ये जी एक पिज़्ज़ा शॉप है जो कि इस वक्त बंद है लेकिन मैंने पूछा है और उन्होंने बताया यहाँ से भी सारे आइटम्स आपको हलाल मिलते हैं। तो जी दोबारा से हलाल ऑप्शंस बहुत कम है इस सिटी में और अच्छी बात यह है कि हमारे पास एक दो ऑप्शंस हैं यहाँ पे, अगर हमें हलाल पिज़्ज़ा हलाल बर्गर खाना है तो हमारे लिए कोई ना कोई ऑप्शन यहाँ पे है। और जी ये कोई लेडीज़ शॉप है जहाँ पे अरबिक कपड़े मिल रहे हैं, हिजाब वगैरह मिल रहे हैं, तो ये भी बहुत अच्छी यानी कि इन्होंने बहुत बहुत अच्छा ऑप्शन खोला हुआ है उन ख़वातीन के लिए जो ये ड्रेसेस पहनती हैं। तो जी ये थी हमारी आज का जो है ना टूर कॉलिंग बाज़ार का, उम्मीद है आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा, हमने तो बहुत इंजॉय किया क्योंकि हमें हमारे सारे आइटम्स मिल गए जो हमें चाहिए थे और इंशाल्लाह इसमें दोबारा आएंगे और अच्छे से जो है ना बहुत सारे आइटम्स ख़रीदेंगे दोबारा। आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, आप लोगों से मुलाकात होती है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।